हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर सर्दियों में कुछ भी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ शाम को नाश्ते में या बच्चों को अगर टिफ़िन में कुछ हेल्दी देना है तो आज मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे अगर पालक से या हेल्दी चीज़ों से दूर भागते हैं तो ये रेसिपी आपके ज़रूर काम आने वाली है। बनाना इसको बहुत ही आसान है। हम बना रहे हैं आज पालक स्वीट कॉर्न पनीर सैंडविच। तो चलिए बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुक कर लेना है अपनी सब्जियों को, यानी स्वीट कॉर्न पालक एंड पनीर को। उसके लिए ले लिया है पैन, उसमें डाल दिया है एक चम्मच बटर। बटर को हम पिघला लेंगे। जो अभी फ्लेम रखा है वो रखा है मीडियम, और मीडियम फ्लेम में जब मक्खन हमारा पिघल जाए तो इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ स्वीट कॉर्न। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न वाले स्वीट कॉर्न लिए हैं, ग्रोसरी स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बस इनको आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लीजिए 2 से 3 मिनट और इनको छान लीजिए। तो वो कॉर्न को यहाँ पे लेना है और इसको हम एक बार मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा कुक एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल कॉर्न है, तो बस हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब हम डाल देंगे इसमें कटी हुई पालक। यहाँ पे मैंने एक गुच्छा पालक ली है जिसको मैंने पत्ते इसके निकाल लिए थे और उनको धो के इनको बस कट कर लिया है रफली, और ये पालक को हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं करना है क्योंकि पालक का कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो बस इसको इस तरह से आप हल्का सा मिक्स कर लीजिए। पालक क्योंकि कुक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पत्ते यूज़ कर रहे हैं, डंडी हमने नहीं डाली है इसमें। हल्का सा डाल देंगे नमक, और नमक के डालते ही पालक का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, डालते ही सेकेंड्स में इसका जो टेक्स्चर है वो कैसे चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा कुक आपको नहीं करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पालक के न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इसमें ख़त्म हो जाए ज़्यादा फास्ट और हाई फ्लेम कुकिंग के लिए। तो ये बस मिक्स हो गया है, इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। और अब मैं तुरंत इसमें डाल दूँगी पनीर। ये मैंने घर का बनाया हुआ पनीर यूज़ किया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम्स पनीर, और इसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में डालना है क्योंकि हमें सैंडविच के अंदर इसको स्टफ़ करना है, इसलिए जो पनीर के पीसेज है वो बहुत ही छोटे रखे हैं। और बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। फ्लेम को कर दीजिए ऑफ़ और इसको हम अब साइड पर रख देंगे। और चलिए अब बना लेते हैं अपनी सॉस। तो यहाँ पे सॉस बनाने के लिए ले लिया है एक पैन, और इस पैन में डालूँगी 1 चम्मच मक्खन। हम बना रहे हैं वाइट सॉस, और इसी मक्खन में हम डाल देंगे 1 चम्मच मैदा। वैसे तो मैं वाइट सॉस अपनी पहले भी पास्ता की रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ, बट फिर भी आज मैं फिर से आपको ये मैं शेयर कर रही हूँ। और इसको मैदा और मक्खन को हम इस तरह से कुक करना है। थोड़ा थोड़ा सा जो मैदे का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा, उतना हमें इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है क्योंकि फिर हमें वो नहीं चाहिए, उसकी रोस्टेड बिल्कुल स्मेल हमें नहीं चाहिए। बस हल्का सा ये पिंक हो जाएगा उतना। और ये दोस्तों देखिए, जो मैदा है ये हमारा भुन चुका है, ये इस तरह से क्रमली टेक्सचर हो जाता है। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ़। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका वाइट सॉस कर्डल हो जाता है या उसमें लम्स आ जाते हैं, तो इस ट्रिक से आप वाइट सॉस बनाएंगे तो कभी भी लम्स नहीं आएंगे। तो फ्लेम को रखिए ऑफ, और जो दूध आप डालेंगे वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। मैं 1 ग्लास दूध लिया है इसमें, और धीरे धीरे करके इसको ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऐड करिए और स्पैचुला की मदद से इस तरह से दबाते हुए इसको चलाते जाइए, और आपका जो वाइट सॉस है बिल्कुल स्मूथ बनेगा। और अगर बाई चांस अगर एक आध लम्स आ भी जाते हैं, तो जो सबसे फेमस एंड सबसे इजी तरीका है वो ये है कि आप इस सॉस को आप मिक्सी में डाल के एक बार ब्लेंड कर लीजिए, सारे लम्स सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट मैंने ये तरीका एक शेफ़ से सीखा था, और तब से मैं ऐसे ही वाइट सॉस बनाती हूँ। मेरी वाइट सॉस आज तक कभी भी लम्स उसमें नहीं आए हैं, और मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है। एक बार इस तरह से ट्राई करिए, शायद आपको भी ये तरीका पसंद आए। तो एक फ्लेम को रखिए ऑफ, और चिल्ड मिल्क से धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाइए स्पैचुला की मदद से। और ये देखिए दोस्तों, जो सॉस है वो हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ सॉस बनी है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सीजन कर लेते हैं सॉस को। अब फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम को रखा है लो। तो इस लो फ्लेम में सॉस हल्की सी गर्म हो रही है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो कुटी हुई भी ले सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड नहीं किए, लेकिन आप थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहें तो चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के मेयोनेज़, इससे जो इसमें थोड़ी और क्रीमीनेस ऐड होगी और टेस्ट भी ऐड होगा। वैसे अगर आप हेल्थ रीज़न से देखेंगे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें डालना तो मत डालिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ
आधा कप प्रोसेस चीज़, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था और इसको अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें शेडार चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब एक दो चीज़ अपने पसंद की इसमें आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ प्रोसेस चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। हमें एक थिक सॉस चाहिए, वैसे तो वाइट सॉस थोड़ी और ज़्यादा पतली हो सकती है, बट क्योंकि हमें इसको सैंडविच के अंदर स्टफ़ करना है तो मैं बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी नहीं चाहती हूँ, तो इसको थिक ही रखना है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पालक पनीर और स्वीट कॉर्न का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो। तो इस तरह से इसको हम कर देंगे मिक्स, और आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है वो कितनी क्रीमी लग रही है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में भी। मैं कभी कभी इसको मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरे फ्रिज में इसको स्टोर करके रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा आप मिल्क और ऐड करिए और बॉयल्ड पास्ता डाल दीजिए, तो आपका क्रीमी स्पिनच पास्ता भी रेडी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम सैंडविच बना रहे हैं तो इसको हम रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है जो पालक की स्टफिंग, कुछ ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं, यहाँ पे सैंडविच ब्रेड, ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने, आप चाहें तो वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी ब्रेड आप चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए आपको कोई बटर या कुछ भी उसके बेस पर नहीं लगाना है, मतलब ब्रेड पर नहीं लगाना है, क्योंकि जो स्टफिंग है वो ऑलरेडी इतनी सॉसी और इतनी क्रीमी है कि आपकी ब्रेड इसी से ही मॉइस्ट रहेगी, तो कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो सैंडविच के जो कॉर्नर्स हैं, मतलब ब्रेड स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ तक भी आप अच्छे से स्टफिंग लगाएंगे, नहीं तो बाद में वो खाने में ड्राई लगेगा, क्योंकि हमने इसमें बेस पे बटर एंड ऑल कुछ भी नहीं लगाया है। तो इसलिए आपको स्टफिंग चारों तरफ कॉर्नर्स तक भी अच्छे से स्टफ़ करनी है। तो ये जो स्टफिंग है ये हमने लगा ली है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर एक स्लाइस और ब्रेड का रखेंगे और इसको हम सेक लेंगे। तो या तो आप सैंडविच टोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत इजी होता है। फिलहाल मैं आज पैन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप सैंडविच टोस्टर की जगह पैन में क्या इसको बना सकते हैं, तो जो ऑब्वियसली बना सकते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ग्रिल पैन में बनाना ज़रूरी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल नॉनस्टिक पैन या जिस भी आप ब्रेड वगैरह सेकते हैं उस पर आप इस सैंडविच को सेक लीजिए। थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर किया है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो एक साइड सिकने के बाद ऊपर भी हल्का सा मैं ऑयल ब्रश कर रही हूँ और इसको अब कर देंगे फ्लिप। तो दोनों साइड से इसको थोड़ा सा सेक लेना है, क्रिस्पी हो जाए, बस उतना ही हमें सेकना है। और ये देखिए दोस्तों, मिनटों में ही हमारा सैंडविच बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको कट करके प्लेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको निकाल दूँगी एक बोर्ड पे और मैं इसको ट्रायंगल पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं या जैसा आपकी इच्छा हो, एक के चार पीसेस भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो ये मैं इसको ट्रायंगल पीसेस में कट कर दिया है और ये देख सकते हैं दोस्तों सैंडविच कितना यम्मी दिख रहा है। आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे ये सैंडविच ऐसे ही पसंद है। बस मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए साथ में जो मैंने बना ली है। और इन्जॉय करिए अपने चीज़ी क्रीमी स्पिनच कॉर्न सैंडविच को। सबसे अच्छी बात इस सैंडविच की ये है कि ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरी बेटी को अक्सर मैं इसको स्कूल टिफ़िन में देती हूँ और उसकी ये फेवरेट है। आप भी अपने बच्चों को अगर पालक पसंद नहीं है तो इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो या इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रेसिपी ट्राई करने तो मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मैं सारी रेसिपीज़ को अपनी स्टोरी पर ज़रूर शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी एक बहुत ही यम्मी एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा देखिए दैट हैप्पीनेस इज़ होममेड।